सो मैं ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी एनबी व्लॉग्स को। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लुकी व्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई है और मैंने अभी अभी जस्ट नाश्ता किया है और मैंने उन लोगों को भी कॉल किया कि उन लोग घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो उन लोग भी घर पहुंच चुके हैं। और आज मेरी मॉर्निंग मेरी मम्मी के घर पर हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज अपने मैं खिड़की के पास बैठ कर मैं यहाँ इंट्रो दे रही हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फ्लैश कुछ ज़्यादा ही मेरे फेस पर आ रहा है। एंड मैं उन लोगों को भी मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं 4 महीने से उन लोगों के साथ थी, तो उन लोगों की मुझे याद आ रही है क्योंकि मैं रोज़ उन लोगों को ही देखती थी इसलिए। सो ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों को मिस नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों को भी मिस कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ भी आना था। उसका काम सिर्फ आराम करना है और कुछ भी नहीं। और ये देखो गाइस, अदा सुबह सुबह आ गई है। अब अदा जब तक मैं आई हूँ अभी अदा सुबह में रोज ऐसे ही आएगी ना अदा, है ना दू? इधर देखो, वहाँ क्यों देख रहे हो? हाँ। क्या खा रहे हो? नानी दिए तुमको? नानी ने दिए। और आज हम लोग घर पे बनने वाला है फ्लावर आलू और मेरी अम्मी यहाँ पे सील पे मसाला पीस रही है। एकदम छोटी सी सील है, बहुत क्यूट है। आज इस पे मसाला पीस के बनने वाला है। और यहाँ पे आज जुमा है तो अदा पूरी नहा वहा के रेडी हो गई है ना दू? और अदा एकदम प्यारा सा ड्रेस पहनी हुई है, अभी न्यू सिलवाई है अदा ने, और उसके साथ मैचिंग मास्क भी सिलवाई है अद्दू ने, है ना अदा? अच्छा लग रहा है, बोलो कुछ। हाँ, हाँ बोलो क्या? हाँ हाँ, एग्जाम देने आई है? नहीं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो हम लोग का असल नमाज पढ़ के आ रहा है और रमजान का कुछ कैलेंडर भी लेकर आया है ना। हाँ। असद असद नमाज जाने लग गया है अभी। हाँ। असद एकदम अपने नाना की तरह दिख रहा है। फिलहाल मैंने अभी खाना वाना सब खा लिया और अभी मैं अपना सूटकेस खोली थी क्योंकि हम मैंने जो भी 4-5 दिन में जो भी अभी कपड़े पहने थे सब वॉश करने हैं। ये देखो इतने सारे कपड़े ये सब मैंने पहनी थी, इसको सब अभी मुझे वॉश करना है। अभी नहीं, इसको कल वॉश करेंगे। फिलहाल अभी सब जमा कर लेते हैं एक साथ, अभी वो वाला बैग भी खुलने जा रहा है मेरा। एंड अब बज गए हैं शाम के 6, तो चलते हैं थोड़ी चाय बनाते हैं और बाकी लोगों को भी देते हैं। Later. शाम के खाने का टाइमिंग हो गया और मैं यहाँ पे प्रॉन्स फ्राई कर रही हूँ। यस, अभी फ्राई हो रहे, थोड़े फ्राई हो गए हैं और थोड़े फ्राई होना बाकी है, थोड़े हो रहे तो फटाफट ये भी कर लेते हैं। बाकी सब दाल चावल सब कुछ रेडी। सो खाना वाना मैंने बना लिया है और अभी अभी जस्ट बना के हुआ, अभी हम लोग थोड़े टाइम में भी खाना खाएँगे। और मुझे आज थोड़ा सा, मतलब आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया, थोड़ा बोर हो रहा है मुझे यहाँ पर, है ना इफ़त? गांव में थी तो हम लोग की याद आती थी। देखो आती थी, मैं जब यहाँ आ गई हूँ तो अभी मुझे उन लोगों की याद आ रही है, बट उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम इन्जॉय किया ना मैंने, इसके लिए थोड़ा सा मिस कर रही हूँ मैं उन लोगों को टाइम स्पेंड किया। मैं इससे ये पता चलता है कि मैं दोनों यहाँ भी सबको प्यार करती हूँ, वहाँ पे भी मैं सबको प्यार करती हूँ, इससे ये पता चलता है। तो अब यहाँ पर आ गई है तो यहाँ पे ध्यान दे, वहाँ को भूल, वहाँ पे भूल जाऊँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अभी निक्की यहाँ पर आ गई है ना तो उसको बोर हो रहा है, तो अभी वो क्या करेगी बेचारी? पर अभी यहाँ तो रहना ही है उसको वन मंथ। हाँ, तो हम लोग के साथ में एंजॉय करें। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे मुझे बोर हो रहा, लेकिन आज पहला दिन है ना, जब कोई गांव से आता है ना मुंबई तो उसको अच्छा नहीं लगता यहाँ पे पहले दिन, वैसे ही कुछ मुझे भी लग रहा है। कुछ दिन जाएंगे तो एडजस्ट हो जाए। हाँ, अभी 2-3 दिन जाएगा तब अच्छा लगेगा, फिर गाँव जाएगी तो फिर हम लोग की याद। हाँ सही बात है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है बिल्कुल। अब मैं वहाँ जाऊँगी तो इन लोग की याद आएगी, यहाँ आ गई हूँ तो उन लोग की याद आ रही हूँ, बट कोई नहीं, थोड़े दिन मुझे रहना है। मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही थी सो मैं आ गई।
A few moments later. So, अभी जस्ट मैंने खाना खा लिया है और अभी मैं आराम से बैठी थी, थोड़ा टीवी देख रही थी, बैठी नहीं थी मैं, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले एक सॉन्ग आता, चलो ठीक है। वैसे ही मुझे बहुत सारे जन कमेंट में काफ़ी दिन से बोल रहे कि एक सॉन्ग गा दो या नाच गा दो, तो आज सॉन्ग गा देते, इपत का मन है तो चलो गाते हैं। सो पहले सॉन्ग को मैं स्टार्ट करूँगी, फिर इफ़त आगे कंटिन्यू करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। कौन सा सॉन्ग? चलो। क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तो मुड़ा है क्यों, हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही सातो जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। सो मैं ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी एनबी व्लॉग्स को, मैंने उनके लिए ये सॉन्ग गाया है। सो कमेंट में जरूर बताना कि हम दोनों ने कैसा गाया गाना। इसका मतलब है एनबी व्लॉग्स को निकी मिस कर रही। यस, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग 4 महीना साथ में थे ना, तो अभी आदत हो गई है थोड़ी सी। फिलहाल आज पहला दिन था तो इसके लिए समझ सकते हो। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, बाय। जल।